हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो काफ़ी पुराना है और जा रहा है इतना दिन बाद आप लोग के पास। पता है आप लोगों को कि मैं डॉक्टर के वहाँ गई थी और फिर तबीयत सही नहीं चल रहा था, लगातार बहुत दिनों से बीमार थी। रोज़ रोज़ बोलना अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करूँ। आप लोग मुझे मैसेज करते हो कि क्यों वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से मैं आप लोग को बता दी कि तबीयत सही नहीं है। फिर भी जो भी वीडियो था ना, अभी जैसे मैं सब कुछ इकट्ठा कर पाई और बोली नहीं वीडियो दे देते हैं। लास्ट हम लोग आ गए हैं वहाँ से, आप लोग को बता देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कोई को लग रहा था कि हम लोग वहीं पर हैं, ससुराल में ही, तो वहाँ से आ चुके हैं। तो ये वाला वीडियो आने दिन का है। रेडी हो गई जाने के लिए? तैयार? कैसा लग रहा मुझे है? दुख भी लग रहा है, एक्साइटमेंट भी हो रहा है। किस बात का दुख और किस बात का एक्साइटमेंट? दुख कि मेरे भैया दीदी को छोड़ के जा रही हूँ, और एक्साइटमेंट जो मेरा स्कूल खुल गया है। अच्छा, इसीलिए। यस, तो चलो सबसे मिल के आओ, ऊपर चलो। मैं बड़े शानदार से मिलूंगी। अच्छा, दिखाओ तुम्हारा मास्क, वो वाला। आज तो कोरियन मास्क। ड्रेस का साथ मैचिंग हो गया। तो यहाँ पर बैठे बैठे तीनों भाई बहन मुंह उतरा के बातें किए जा रहे थे, तो मैं बोली चलो हंसाते हैं तीनों को, और बेटी को बोली चलो पाँव छुओ, तो मना कर रही है परी कि नहीं, उसको छूना नहीं है पाँव। तो बेटी भी बोल रही थी मुझे नहीं छूना है दोनों का पाँव, बोली चलो छुओ, तो ऐसा बोल दी। तो जाके पाँव छुई और बात रखी मेरा। और बच्चों के लिए ना खासकर हमें आने का मन नहीं करता है, और वो लोग भी जिद करते हैं, नहीं छोड़ते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है, छोड़ के आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। इसी वजह से ना कल का हम लोग के पास टिकट था, रिटर्निंग का हम लोग टिकट किए हुए थे, फिर भी हम लोग नहीं आए। कल का टिकट कैंसिल भी नहीं किया और ऐसे ही छोड़ दिए, और आज फिर से टिकट मिल गया। क्योंकि फिर अगर रह जाते ना, सरस्वती पूजा के दिन ही जाना पड़ रहा है, फिर अगर रह जाते तो फिर हम लोग का 6 दिन हो जाता, और 6 दिन में 9 दिन में 13 दिन में घर से नहीं आते हैं, बस इसी वजह। टाटा दीदी, बाय बाय, आवार खूब शीघ्र ना कि कहा जाए, खूब जल्दी, खूब जल्दी देखा होबे। देखा दो नंजीठी माठू। मेरे हस्बैंड छत से मिल के आए नहीं हैं जिट्ठू जिट्ठी माँ से, और मैं और बेटी बाहर आके खड़े हो गए हम सब, क्योंकि आज सबको ही बिजी हैं। हम लोग निकलने के बाद धीरे धीरे सबको ही निकलेंगे, हम लोग का टोटो भी आ चुकी है, बस अभी बैठना है और निकल निकल। टिकट काट तो जेतो कुल लाते के আমি আজ স্টেশন গেলাম না লালটু এ নম করো দাদা মানু নম করো নম করব দিদি কো কাউ কে করব সবাই কাউ কে করব জেঠু আসে হ্যাঁ হ্যাঁ গো सुबह सुबह एकदम खाली स्टेशन, टाइम हो रहा है 8:40, ट्रेन था हम लोग का 8:55, 8:45 में लेट हो गया 15 मिनट जैसे। अरे पूरा खाली स्टेशन, इधर भी पूरा खाली है, कोई आदमी ही नहीं है, एक दो बस आके हम लोग पहुंच गए हैं। ये मेरा खाना है, ये मैं हूँ, ये मेरा खाना है। मैंगो लाए हैं तो मिष्टी दही तो लेना बनता है, तो मिष्टी दही लिए हैं और साथ में कुछ मिठाई लिए हैं ट्रेन जर्नी में, क्योंकि आज सरस्वती पूजा है, तो फिर थोड़ा सा मीठा। हाँ खाना मिलेगा तो खाना खा लेंगे, क्योंकि पहुँच के फिर क्या खाएंगे। हम लोग पहुँचते पहुँचते कितना बजे? 1 बज जाएगा, और आज सरस्वती पूजा है, हम लोग का पूजा नहीं हो पाया और इसका मन खराब है, क्योंकि ये सानू को और परी को छोड़ के जा रही है, इसीलिए इसका मन खराब है और पूरा लेजी टाइप का एक्टिविटी कर रही है। नहा के आई है फिर भी लेजी टाइप का एक्टिविटी कर रही है। तो चलिए ट्रेन आ जाए, बैठ लेते हैं फिर से अकेला। काफी टाइम बाद अपना मनपसंद जगह में मिला है सीट। हाँ तो पिछले बार कहाँ मिला, आते टाइम नहीं मिला था ना, तो नहीं मिला था टिकट, क्योंकि ये हम लोग का फेवरेट है, ये स्पेशल है, इसमें आपका जर्नी कंफर्टेबल है। पूरा स्प्रे कर दिए हैं और अभी जा रहे हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये हम लोग का में पहले आना जाना होता था, पर कुछ दिनों से टिकट नहीं मिलता था, तो फिर जनरल में आना पड़ता था,
बैग में ऑलरेडी है बर्बन। व्यंजनी खासकर मुझे इसीलिए अच्छा लगता है कि आपको ना भूखे रहना नहीं पड़ेगा, जैसे बस में जाओ या फिर गाड़ी में भी ट्रैवल करो ना, कहीं कहीं कुछ मिलता है कहीं कहीं कुछ मिलता नहीं है तो भूखे रहना पड़ता है, पर ट्रेन में सब कुछ अवेलेबल होता है। तला भुना भी कुछ कुछ आया था पर हम लोग उसको लिए नहीं, बेटी के लिए ब्रेड आमलेट मंगाए हैं। कंप्लीट जाते दिन आता आते टाइम आता पुष्पा पुष्पराज पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं उसके बाद नहीं झुकेगा नहीं तो बस उतना तक ही। जस्ट घर पहुंचे और मेरे दोस्तों को मैंने देखा और बोले कि चलो स्कूल जाना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि मैं 2 मिनट में रेडी हो के आ रही हूं। तो रेडी हो गई, मैं आप लोग को पूरा दिखाती हूं। ये देखिए इस बार का नया ड्रेस सरस्वती पूजा का, उसका ये वाला है, मतलब एक्चुअली सरस्वती पूजा का नहीं, ये घर से उसको मिला है उसका भैया का जन्यू में, तो सानू दादा ने दिया है मुझे तो उसको नहीं पहनी थी, तो सरस्वती पूजा में नया ड्रेस पहन के जा रही है, रेडी हो गई। बेटी स्कूल निकलने के बाद फिर मैं घर का साफ सफाई की और उसके बाद ना हम लोग का खाना भी आ गया, तो फिर सोच रहे थे कि वो आ जाएगी फिर खाएंगे, देखे बहुत लेट तक आई नहीं, 1 घंटा जैसे हो गया, क्योंकि बहुत दिन बाद अपने दोस्तों से मिल रही थी, खासकर सरस्वती पूजा है आज, तो बस इसी वजह से लेट कर रही है पता नहीं क्यों। तो जो भी है जीत भी की और साथ में आके ना दोबारा नहीं खास जाएगी बोलकर, तो चलो जब गई है तो वो जब आएगी तब खाएगी, प्रसाद वगैरह वहाँ पर खाई होगी, तो हम लोग को काफ़ी भूख लगा है, हम लोग खा लेते हैं। और यहाँ पर दाल है, फूलगोभी, आलू का कुछ सब्जी है, पनीर है, पापड़ है, सलाद है और चावल है, यही कुछ मंगाए हैं। बहुत खास मतलब बहुत यामी नहीं था, फिर भी भूख के चलते सब कुछ अच्छा लगा चलेगा टाइप का, क्योंकि ये वाला रेस्टोरेंट से हम लोग कभी मंगाए नहीं थे, आज पहली बार मंगाए हैं, तो खा के एवरेज बोलूँगी मैं, अपना ओपिनियन दूँगी। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं क्योंकि भूखे मारे जान जा रही है, और पीने का पानी भी नहीं था, ख़त्म हो चुका था, क्योंकि इतना दिन बाद आए हैं सब कुछ घर से ख़त्म, तो फिर अभी सब कुछ भरे वापस से फिर खा रहे हैं। तो चलिए बाय बाय, नेक्स्ट और एक ब्लॉग में मिलते हैं।